और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और खबर देहरादून से, जहां 18 आईपीएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया गया। बड़ी खबर देहरादून से आपको बताते चले, 18 आईपीएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया गया। आईपीएस अजय अंशुमन अपर पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस सुरक्षा सर्वेश पवार एसपी मुख्यालय क्राइम देहरादून की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। तो ये तमाम वो नाम जिनमें फेरबदल किया गया है। रेखा यादव एसपी ट्रैफिक क्राइम हरिद्वार बनी है, तो आईपीएस विम्मी सचदेवा पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक बने हैं। तो केवल खुराना पुलिस महानिरीक्षक परीक्षण बनाए गए हैं, तो रिद्धिम अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ बने। तो ये तमाम वो नाम है, 18 आईपीएस अधिकारियों के विभाग में फेरबदल किया गया है। बताते चले आपको कि नीलेश आनंद भरने पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं बनाए गए हैं, तो करण सिंह नगनियाल पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल बने हैं, तो राजीव स्वरूप पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा बनाए गए हैं। तो ये तमाम वो नाम है जिनके विभाग में फेरबदल किया गया है। खबर हल्द्वानी से, जहां बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के विरोध तेज नजर होता हुआ दिख रहा है और कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरी महिलाओं ने अतिक्रमण अभियान रोकने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बताया, देखिए तस्वीर भी सामने आई है हल्द्वानी से, यह खबर जहां बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से महिलाएं धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, वो तस्वीर सामने आई है। कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरी और महिलाओं ने अतिक्रमण अभियान रोकने की मांग की है। तो अतिक्रमण हटाने का ये विरोध और ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से भारी संख्या में महिलाएं मौजूद नजर आ रही हैं और सड़कों पर बैठकर अतिक्रमण को हटाने का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। और बताते चले आपको कि कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई नजर आई। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्ट्रीट पर। महिलाओं ने अतिक्रमण अभियान रोकने की मांग की और किस तरह से सड़क पर बैठकर विरोध कर रही हैं। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का यह पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण को लेकर सुनवाई और हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण को लेकर सुनवाई होगी और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का यह पूरा मामला 24 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका और हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। हल्द्वानी में मोमबत्तियां हाथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग वनभूलपुरा इलाके के गफूर बस्ती के लोग हैं, जिनके घरों को ध्वस्त कर रेलवे अतिक्रमण हटाना चाहता है। हाईकोर्ट के आदेश पर रेलवे प्रशासन की मदद से 78 एकड़ जमीन पर बने 4,365 घरों को ध्वस्त करना चाहता है। साल में होते रहते हैं, 100 साल गुजर गए हमारे हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यही हमें मिला है। जन्मभूमि हमारी यही है, ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका, रेलवे भूमि तुमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। कुछ गरीब लोगों सोचा, किसी बस्ती वालों के लिए सोचा, ये कितने लोग घर से बेघर होंगे, ये सबके बच्चे ये बेरा होंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सरकार ऐसी हमने नहीं देखा। जबकि कॉलोनी के लोगों की दलील है कि ये जमीन उनके पूर्वजों की है। इन लोगों की दलील है कि अगर उन्हें हटाना ही है तो पहले उन्हें कहीं विस्थापित किया जाए और इस भीषण जाड़े में आखिर वो कहाँ जाएंगे, जबकि जिला प्रशासन कह रहा है कि रेलवे को उसकी जमीन हर हाल में दी जाएगी और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दी हैं कि एक हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवे की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस मामले में सियासत भी कम नहीं हो रही। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार ने मामले में जानबूझकर सही पैरवी नहीं की और उस जमीन पर घर ही नहीं सरकारी दफ्तर भी बसे हुए हैं। लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई।
वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि सरकार कोर्ट के आदेशों से बंधी हुई है और हर हाल में सरकार को कोर्ट के आदेश की पालना और सम्मान करना है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश के बारे में मेरा या किसी का बोलना उचित नहीं है, क्योंकि पूरा मामला सब जुडिस है, जो हुआ है न्यायालय की वजह से हुआ है, तो न्यायालय के आदेश को सर्वमान्य और सब प्रकार से हम अंगीकार करते हैं। 7 दिनों के अंदर 4,365 घरों को खाली कराए जाने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है, इसलिए प्रभावित। चलिए, हल्द्वानी में अतिक्रमण पर एक्शन लगातार जारी है और आपको अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए तमाम डिटेल्स बताते हैं। वन भूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा, अब पूरी जानकारी आपको दे दें किस तरह से अतिक्रमण पर ये एक्शन हो रहा है और करीब जो 50,000 लोगों को की जो आबादी है वो अतिक्रमण के जद में है और 78 एकड़ रेलवे की जमीन पर यह अतिक्रमण हुआ है। तो हल्द्वानी में अतिक्रमण पर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है और ये भी जानकारी आप तक पहुंचाते चले, 4,365 घरों को तोड़कर हटाया जाना है, इस अतिक्रमण जो हटेगा जो आदेश पारित किया गया है, और रेलवे की 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने हैं ये अवैध मकान जिसे हटाया जाना है। सबसे पहले मुनादी और फिर पिलर बंदी का काम होगा। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 1975 से यहाँ पर रेलवे की जमीन पर कब्जे का खेल चल रहा था जिसे लेकर अब आदेश जारी किया गया है। ये भी जानकारी आपको देते चले कि 2016 में आरपीएफ ने दर्ज किया था अतिक्रमण का पहला केस और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई होते दिख रही है। हाईकोर्ट ने 2016 में कब्जा हटाने के लिए 10 हफ्ते का वक्त दिया था और अतिक्रमण के चलते हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर जो डेवलपमेंट का काम है वो बाधित हो रहा है, वो रुका हुआ है, जिससे लोगों की परेशानियां कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो 20 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। और अपडेट के साथ संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गया। सुरेंद्र, देखिए, अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस फैसले को चुनौती दी गई, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल, हाईकोर्ट ने कहा है कि रेलवे की जो जमीन पे अतिक्रमण है उसे हटाकर रेलवे को कब्जा दिया जाए। इसके लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। 7 दिन का इनको समय दिया गया है, उसके लिए कल विज्ञापन जारी हो चुका है, यानी 9 तारीख का इनके पास समय है और 10 तारीख से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन 10 जनवरी से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तमाम लोगों से कहा गया है कि वो अपना सामान हटा लें, वरना फिर 10 तारीख से जबरन उनका सामान हटाया जाएगा। 50,000 से ज्यादा लोग इस अतिक्रमण क्षेत्र में रहते हैं, 78 एकड़ ये लैंड का रकबा है और 2.5 किलोमीटर की लंबाई है। तो आप ये समझिए, ये भारत का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें बड़े पैमाने पर हजारों जो लोग हैं इनको अतिक्रमण की जद से हटाया जाएगा। और इसी फैसले के, जो हाईकोर्ट का फैसला था, इसके विरोध में ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के नेता हैं और बड़े वकील हैं, वो इनका केस लड़ रहे हैं। आज केस लिस्ट हुआ था और 5 जनवरी की तारीख उसमें नियत की गई है, यानी 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में मामला सुना जाएगा। संभवतः सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को ही इस मामले पर कोई अगर रिलीफ मिलना है तो वो मिलेगा, अगर रिलीफ नहीं मिलना है तो इन लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश के बाद इसी तरह की कार्रवाई होगी। 30 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलाई गई है, 30 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस कम नहीं होती है, लोकल पुलिस भी रहेगी। तो आप ये समझिए, करीब 5,000 से 10,000 तो पुलिस फोर्स ही होगा जो इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने में लगेगा। वाकई सुरेंद्र, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई बहुत बड़ी होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर हल्द्वानी से आपको बताते चले, अतिक्रमण हटाने को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार पर हरीश रावत का बड़ा हमला, सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आया, हरीश रावत का ये बड़ा बयान सामने आया। तो देखिए, अतिक्रमण हटाने को लेकर डेडलाइन दे दिया गया तो सियासत भी कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार पर हरीश रावत ने बड़ा निशाना साधा, बड़ा हमला बोला है और सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आया है, ये हरीश रावत का बयान है। वो बहुत चिंताजनक है,
हमने उसके लिए एक एक्सपर्ट टीम पहले विदेशी सहयोग से गठित की थी जायका के तहत जो है, लेकिन इस 6 सालों में उस पर कोई काम नहीं हुआ। अब जो है बिल्कुल गर्दन पर आगे सर पर आ गई है, तो ये सरकार अब भी नहीं जग रही है। और हमारा जोशीमठ के साथ हमारी संस्कृति का स्तूप जो है, भगवान का मंदिर और हमारे शंकराचार्य का आसन, सब चीज खतरे में है। और संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, देखिए इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कार्रवाई होते हुए नजर आएगी, लेकिन इस मामले में अब सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं हरीश रावत। देखिए बिल्कुल, हरीश रावत ने सीधे तौर पर हमला किया, हालांकि टेक्निकल कारणों से हम वो बयान नहीं सुना पाए जो हरीश रावत हल्द्वानी के मुद्दे पर बोल रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है मानवीयता वाला जो चेहरा है, जो मानवीय चेहरा उत्तराखंड का है, वो धूमिल होगा इस कार्रवाई से। सर्दियों के दिन हैं, गर्भवती से लेकर तमाम महिलाएं होंगी, बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, उनको आप इन सर्दियों में अगर बेघर कर देंगे तो वो कहां जाएंगे, इस तरह से हरीश रावत बोलते हुए नजर आए। हालांकि हरीश रावत इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये 90% से ज्यादा वोट या तो कांग्रेस को मिलते हैं या विपक्ष की किसी पार्टी को मिलते हैं। वोट बैंक के हिसाब से भी भाजपा का इस क्षेत्र में कोई गढ़ नहीं है, कोई वोट नहीं मिलता है। इसलिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इनके फेवर में भी दिख रही है क्योंकि उनको अपना वोट बैंक भी जाता हुआ दिख रहा है। राजनीति इसलिए भी इस मुद्दे पर ज्यादा हो रही है। चलिए सुरेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। खबरों में बढ़ेंगे आगे। और हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से कब्जा हटाने को लेकर जारी कार्रवाई के बीच वन विभाग सजग और सतर्क है। दरअसल अतिक्रमणकारियों की आने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की तरफ से देखरेख को लेकर 4 टीमें बनाई गई हैं और ये टीमें वन विभाग की जमीन में अवैध कब्जे को रोकने के साथ साथ मॉनिटरिंग का भी काम करेगी। हमने जो है इसमें 4 टीमें जो है वो बनाई हैं और जो रात को अलग टीमें जो हैं इस एरिया में जो तैनात होती हैं और सुबह अलग टीमें इस एरिया में तैनात होती हैं। और इसके उपरांत ये 4 टीमें हैं और इसके उपरांत इसमें जो है एक क्यूआरटी जो हमारी है वो निरंतर रात को और दिन को जो है गश्त कर रही है। पूरी चौकसी बरती जा रही है। खबर देहरादून से, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और सीएम धामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। केंद्र का फैसला आर्थिक तरक्की बढ़ाने वाला और केंद्र सरकार पर बरसे हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। सरकार की गलत नीतियों से अर्थव्यवस्था खराब हुई, ये हरीश रावत का बयान सामने आया है। तो सीएम धामी ने जहां फैसले का स्वागत किया तो हरीश रावत ने सरकार को घेरा। सीएम धामी का बयान, उच्चतम न्यायालय का फैसला इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करता है कि उस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो फैसला लिया गया था वह देश हित में था। उसमें सभी जो प्रावधान थे उन सभी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया था। एक ऐसा दल जिसने देश की आजादी के कालखंड से लेकर अब तक लगातार 55 सालों तक इस देश के अंदर राज किया है, हुकूमत चलाने का काम किया है, उनके पेट में और कुछ विपक्षी दलों के पेट में दर्द हुआ था। लाखों लाखों करोड़ों लोगों का आशियां लूट गया। अब असल में कोर्ट के सामने, कोर्ट को यदि कोर्ट कह देता गलत है तो चक्र पीछे घुमाना पड़ता। पीछे चक्र घुमाने का अर्थ था अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देश की अर्थव्यवस्था के हित में बड़ा सेफ सा जजमेंट दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि नोटबंदी में कुछ न कुछ फॉल्ट है, जबकि कोरोना और इस सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से ऑलरेडी अर्थव्यवस्था रसातल की तरफ जा रही। देहरादून के कौलागढ़ में नव निर्मित छात्रावास का सीएम धामी ने आज लोकार्पण किया और इस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ कई मंत्री आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और उनके मार्गदर्शन से उत्तराखंड के प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
तो ये दो तस्वीर देखिए सामने निकल कर आई है, जहां से इंतामी ने कौलागढ़ में छात्रावास का निर्माण किया, लोकार्पण किया, और इस लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान कई कार्यक्रम भी हुए। साथ ही सीएम धामी का बयान भी सामने आया, कई और सुविधाओं का भी सीएम धामी ने शुभारंभ किया, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का इस दौरान आयोजन भी किया गया। हम सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। देख रहे होंगे आज केदारनाथ जी का जहां पुनर्निर्माण हो रहा है, वहीं केदारनाथ जी का आने वाले समय में हम सब लोग वहां पर रोपवे के माध्यम से जा पाएंगे। रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। हेमकुंड साहब जाने के लिए जो कठिन यात्रा होती थी, हेमकुंड साहब के लिए भी रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। चाहे आज हवाई क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हमने नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले उत्तराखंड में लागू किया है। रेलवे की कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, हवाई कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और नया साल हम नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहेंगे।